बेटी बेटी सोचे यार मेरे भाई बात मेरे करदा रहा, जब अपन खुद ने करना पड़े तो मन ज्यादा याद आई। मैंने कही कि मानी रहा देख मेरे मेडल आ गया, आज तेरी वजह नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। आगे वाली लड़कियां गिरी तो मैं भी गिर गई, इस वजह से मेरे दांत टूट गए। फिर मैंने कहा मेरी शक्ल तो दिखाओ मैं कैसी दिखती हूँ। मैंने कहा नहीं ये मैं तो नहीं हो सकती, कोई और होगा। मैं सोचो कि हूँ घर वाला सामने जा मुंड उतार कहूँ मेरे देखो मेरी इतनी लाग गई किसी के कठी कोई मीडिया फोन से कौन बड़े जल को पहुंच रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं भागीरथ और आप देख रहे हो झलको बीकानेर। झलको बीकानेर पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज अब बरसिंगसर गांव पहुंचे हैं, बीकानेर से 30 किलोमीटर एड कविता सियाग है जिका अबार गोल्ड मेडल है, फिलहाल में जीत रहे हैं। अभी हम आप बात कर सकते कई कुछ संघर्ष यू है बियारो मेडल ने लेर बीकानेर की बेटी पूरे बीकानेर नहीं पूरे राजस्थान रो नाम है जिको गौरवान्वित कियो है, तो आप आइए हम बात कर सा। नमस्कार झलको बीकानेर में आप रो हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करनी चाहती हूँ झलको राजस्थान का जिन्होंने मेरे को इस काबिल समझा इंटरव्यू के लिए। मेरा नाम कविता सियाग है, मैं बासी बरसिंग सर और बीकानेर की निवासी हूँ। मैंने अभी सीनियर में नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है और जिसकी मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। और मेरे कोच किशन पुरोहित और डूडी सर ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की और मेरा परिवार भी इसके लिए बहुत ज्यादा मैं थैंक यू करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे को खुल के इतना सपोर्ट किया। कोई चीज के लिए ऐसे नहीं कहा कि नहीं ये तू रहने दे, ये ऐसा कभी नहीं बोला। तो मैं सबको बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ। और साइकिलिंग में मेरे को अभी 3 साल हुए हैं तो सबसे मेरे को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गिरने से मतलब दांत वगैरह भी टूट गया, बाबी सुनी अभी वो मैं यूनिवर्सिटी खेलने गई थी 19 में गई थी, तब बेंगलोर गई थी, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी होती है रोड की, वहाँ तो मैंने बाकी इवेंट चला ली। लास्ट में मेरा इवेंट था जो जिसको मास स्टार्ट बोलते हैं, वो 100 किलोमीटर था। लास्ट 1 किलोमीटर में ऑल आउट था, बाद में स्प्रिंट खत्म होने वाली थी तो पुल भी था और डाउन भी फुल था उतरते वक्त। आगे वाली लड़कियां गिरी तो अचानक मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो मैं भी गिर गई जिसकी वजह से मेरा हैंडल छूट गया और जाके सीधा मुंह रोड पर गिरा जिस वजह से मेरे दांत टूट गए और यहाँ पर भी मेरे कट आए थे काफी। फिर हॉस्पिटल लेके गए, ऑपरेशन वो कुछ यहाँ किया और दांतों का बोला कहना आपको बीकानेर जाके लगवाने पड़ेंगे। फिर मैंने कहा मेरी शक्ल तो दिखाओ मैं कैसी दिखती हूँ, तो उन्होंने एक वो डॉक्टर थी लेडीज डॉक्टर, तो उन्होंने शक्ल बताई मेरा चेहरा बताया फोन में। मैंने कहा नहीं ये मैं तो नहीं हो सकती, कोई और होगा। जिको खेल हुए वो किस जगह हुए? वो अभी गुजरात गांधीनगर में हुआ था। और खेलने ले रहा आप जीवन में कहीं कुछ समस्या आई? खेलने ले रही हैं तो मेरे कोच और पेरेंट्स आ गए, मैंने इतनी समस्या भाई मेरा आउन कौन देनी और बाकी खुद नहीं करना पड़ा सब सोई किया सरकार इतनी हेल्प करी को नहीं। और जिस टाइम आप एक्सीडेंट हुए बी टाइम मतलब आपने यहाँ हिम्मत हारी कौन, मतलब के घर वाला परिवार वाला पड़ोसी की कौन लाग गई अब कहीं साइकिलिंग करो थे? मैं सोचो कि हूँ घर वाला सामने जा मुंड उतार कहूँ मेरे देखो मेरी इतनी लाग गई जैसे मेरे पिताजी सामने यार मन के कोई बात को नहीं गिरी तो और उठी और आगे जा ही के जन मैं अब मैं क्या बोलूं। इन्होंने आते ही ऐसे बोल दिया इनको कोई दिक्कत नहीं तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आज आप जीत रो श्रेय है जी को किन देना चाहो? मैं सबसे पहले तो मेरे कोच को देना चाहूंगी फिर मेरी फैमिली को। करके आगे थे पहुंचा जिस टाइम भीड़ भी बहुत ज्यादा ही और नेता लोग है भी आपसे मिलने बहुत ज्यादा आया तो कई लोग है जिसका आपने मतलब सुनने में आ रही है सहयोग राशि भी दे रही है अभी बार में आपका ही कुछ कहना चाहूंगा? मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लोगों ने जो मेरे वहां से तो वेट की जो बाहर सोचो भाई ट्रेन 8 बजे है जबकि ट्रेन डेढ़ पौने 2 घंटा लेट आई तो भी वहां वेट करो मेरो। और सब पहले मैं धन्यवाद देनी चाहूँ इस उपलब्धि के लिए रामकरण जी महाराणा प्रताप अवार्डी, उन्होंने 51,000 रुपये मेरे को प्रोत्साहन राशि दी। और फिर छात्र नेता भाई भंवर कुंकड़ा ने 21,000 रुपये दिए और साइकिल कोच हरिराम भाई जी ने 11,000 रुपये दिए। इनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। सरकारी तरफों आपने कहीं कुछ राशि मिली? तो कोई समाज सेवी है छात्र नेता है आपने राशि भेंट करी है सरकारी तरफों आपने कहीं कुछ राशि? अभी तो कुछ नहीं मिला, मिलेगा तब कोई बात है। 5 लाख का बोल रहे हैं अब देखो कब मिलते हैं। और आउट ऑफ टर्न का भी बोला था मेडल लाओ नौकरी पाओ, उसका भी वेट करी 1 साल हो गया, मेडल तो कब का आ गया लेकिन वो ऐसे होना चाहिए मेडल आते ही नौकरी देनी चाहिए। राम राम दादाजी। राम राम। राम राम। आज आपकी पोती है जिको पूरे बीकानेर को नाम रोशन करी आप कहीं कुछ कहना चाहो? बढ़िया हो भगवान की दया बीकानेर को नाम हो गांव को नाम हो। दादी जी राम राम। राम राम। राम राम। राम राम। आज आपकी कविता बेटी है जी की मतलब गोल्ड मेडल जीत रही है तो आप कहीं कुछ कहना चाहो? बहुत खुश हुआ। और भी जिया मतलब गाँव रा लोग है मतलब
आज बेटी ने बारे पढ़ाने भेजे या खेलने भेजे तो डरे के कठी न कठी बेटी है, तो आप भी बात में लेकर कहीं कुछ कहना चाहते? आपका डरा कौन, धन्यवाद है कृपा भगवान की, बेटी बेटे एक समान है, सब ने पढ़ाया चावा नौकर लगाया चावा, धन्यवाद। नमस्कार जी, राम राम। राम राम। आप कहीं कुछ कहना चाहो? आपकी बेटी है जी को आज गोल्ड मेडल जीत रही है, बीकानेर नाम रोशन करियो और सागे सागे आप रो और पूरे गाँव रो नाम रोशन करियो। मैं तो कहूँगा जो गाँव को नाम रोशन करियो है, बीकानेर जिले करियो, राजस्थान में करियो है, जो राजस्थान में आज तक मेडल मिलो को एक्सीडेंट हुर त्यार हुर पाछ रिकवर कर लियो, आई बहुत बड़ी उपलब्धि है और माने आई उम्मीद ही का एक दिन मेडल पक्का ही लाई और मेडल पक्को मार लियो। आज आप रे सपना पर उम्मीद पर कविता है जी का खरा उतरी, आज आप कहीं कुछ पूरी पूरी खरी उतरी है, माना उम्मीद ही और आगे भी इंटरनेशनल मेडल लई स्टेमिना आएंगे बहुत जोरदार है, जगह कोच वगैरह के रहेंगे स्टेमिना बहुत जोरदार है, थोड़ा सा डर निकल जाए तो इंटरनेशनल मेडल है जो जल्दी ले सके। आप सरकार उनका कुछ गुहार लगाना चाहो के आगे बढ़ने वास्ते या सहयोग राशि मिले और वगैरह? सरकार मेरे आई गुहार है कि जका भी खिलाड़ी नेशनल मेडल लेवे अभी ने तुरंत आउट ऑफ टर्न नौकरी दो और इक्विपमेंट भी ने उपलब्ध कराओ, पैसा और दुनिया में घने ही लगावे इन्हें बिने हड़का माथे खाडा खोदे, तो खिलाड़िया माथे जकी टैलेंट है बिन टैलेंट में लगाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और भी आगे किस लेवल पर भेजने वास्ते तैयारी करना? मैं तो इन्हें जको भी कही मन बीन जी प्रैक्टिस करनी है तो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे दिल्ली हो किसी भी जगह भेज दूँ, खेती मारो काम खेती कर और बढ़ ज्यादा मेहनत करना है इन इक्विपमेंट पूरा करने खातर। आपस आगे कविता का मम्मी जी अभी हूँ यहाँ पर बात कर सा। नमस्कार। नमस्कार। आप कहीं कुछ कहना चाहो आज? काम जो को करियो बढ़िया करियो काम तो। आज कविता है जी की घर सुन तो टाइम बारह रह तैयारी करी है, तो आप कहीं कुछ कहना चाहो? बीटम थानिया लगे कौन बेटी याद आई कौन कहने याद आई एक तो आंसू आऊ ला गया पानी में, बहुत खुशी हुई। आज तो आप सपना है जी को साकार कर दिया जाना, आज सपना पूरा कर दियो भगवान। और भी आप कहीं कहना चाहो? आज थाने पूरे बीकानेर देख रही हो, बीकानेर जी की बेटिया है, बेन आप कहीं कुछ कहना चाहो? बेटिया ने खेलो पढ़ाओ आगे बढ़ाओ। आपस आगे कविता जी की छोटा भाई है भैया, यहाँ पर बात कर सा। नमस्कार भैया। नमस्कार। पहला तो आप नाम बताओ? मेरा नाम है मानेंद्र सिंह। आज आपकी बहन है जी का मेडल जीत लाई, आप कहीं कुछ कहना? मेरा तो कहना है की जीत के लाई बहुत बढ़िया बात है, उम्मीद ही मैंने पूरी के मेरी बहन एक दिन लेके आएगी मेडल, सो मेरी उम्मीद पर पूरी खरी उतरी है। एक भाई रो सपना है कि बहन या मतलब मेडल जीत ले रहा है या एक्स वाई जेड कटे भी नाम करे अच्छो काम करे, जब भी बीट हम भाई ने कितनी कहीं खुशी हुआ? भाई की बहुत ज्यादा खुशी हुआ, आज मनिया कोई कह नहीं कि वो कविता का भाई, तो बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ है, गोल्ड मेडलिस्ट कविता का भाई है वो। आप कहीं कुछ कहना? यहाँ कहनी चाहूँ कि मेरे भाई इतने टाइम तक मेरे सागे हो, हमेशा सागे जाऊँ, तो इस बार मैं कि भाई तनु मेरी वजह प्रॉब्लम डालू कौन, क्योंकि इनको सामान भी बहुत ज्यादा ले जाना पड़े तो भारी वह यार, इन फिट करना वापस खोलनी पूरी साइकिल ने यार वापस डालनी एक एक चीज ने या सही सेट करनी, तो भी डेमन बहुत ज्यादा दिक्कत आई याद आई के ओ मन के तो कर लिछा तेरे बा मैं चीज कर दी है भाभी जी ध्यान रखी ठीक है नी, मैं बात चीज तेरे बिया गा दी ध्यान रखी नी, तो इस बार मन वो सब कुछ अपना आप ने करना पड़ो। बेटी बेटी सोचे यार मेरे भाई बात मेरे करता रहा जब मन खुद ने करना पड़े, तो मन ज्यादा याद आई। एक बहन भी अडीक हुआ भाई, हाँ घनी अडीक हुआ उन कही मानी डा देख मेरे मेडल आ गयो आज तेरी वजह, ओ गया तो लिछा खाली हाथ ना आई नी कह तू मन मरा ली गए। आज अब आपकी बहन है जी का मेडल भी ले रहा गया, आपने इतो ज्यादा याद भी करियो क्योंकि आप हर टाइम ये सागे मौजूद रिया किसी भी कठिनाई और मायने और मायने, अब आप कहीं कर चुके हैं? मेरी यही कहनी है कि देखो अपन रोल तो है पिछ सपोर्ट कर सका, लेकिन प्लेयर ने देखो सफर एकले नहीं तय करना पड़े लगभग, सो जितो हो सके खुद के थ्रू करो। तभी टाइम यहाँ सोचो कौन किया कि भाई भाई साथ ले जाऊँ भाई ने ले जाऊँ, सोचो मैं सोचो हर बार ले जाऊं थी, लेकिन मैं सोचो इनको भी आगे फ्यूचर है तो मेरी वजह वो कड़ी खराब नहीं हो जाए, यहाँ सोच रहे हाँ टाइम नहीं खराब हो जाए मेरे लार, क्योंकि खासो सामान और खास टाइम भी लगे बट है तो इन पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है आगे। आप कहीं कुछ तैयारी कर रहे हो? मैं फिलहाल एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूं और मेरा ड्रीम है सीडीएस का। पास आगे कविता जी का भाई है जी का हॉकी का खिलाड़ी है, कविता जी और कविता जी के फैमिली के मैंने और भी मेंबर है जी का खिलाड़ी है, आज भारत का पूरा बीकानेर को नाम रोशन कर रहा है। नमस्कार। आप कहीं कुछ कहना चाहो? मैं कहना चाहता हूँ इन्होंने आपकी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, एक टाइम आता है जब प्लेयर लग जाती है तो उसमें घबराहट आ जाती है डर जाता है कि भाई आगे अब कुछ नहीं होगा, उसके बाद फिर भी इसने अपना कि भाई मेहनत किया और उठ के वापस खेली और मेडल मारा। आप आखिर मैंने किस लेवल तक खेला? मैं नेशनल खेला। आपस आगे कविता का चाचा जी है भी हूं यहां पर बात कर सा। नमस्कार। नमस्कार। आप कहीं कुछ कहना चाहो? मैं
खुद गेम से जुड़ा हूँ और उनको मैं हमेशा मोटिवेट करता रहता था कि आप गेम में जुड़ो। मैंने भी बहुत कोशिश की नेशनल मेडल के लिए, चलो मैं नहीं ले सका, लेकिन मेरी भतीजी ने ये कामयाबी दिला दी। बहन आज गोल्ड मेडल जीत ले रहा है, तो आप कहीं कुछ कहना चाहो? मेरे को जब पता चला, जब मैं हॉस्टल में था, मेरे को परसों मैंने मेरे पापा के पास फोन किया था, तब मेरे को पता चला था कि मेरे पापा ने कहा कि एक खुशखबरी है। मैंने कहा क्या? मैंने सीधा पूछा, मैंने कहा मेडल लग गया। मेरे पापा ने कहा मेडल नहीं, गोल्ड मेडल लग गया। तब मैं बहुत खुश हुआ था, मेरे मतलब पाँव भी नहीं टिक रहे थे, इतनी खुशी हुई थी। मैं मतलब मेरी बहन को हमेशा कहता था मेडल मार, मेडल मार, मेडल नहीं गोल्ड मार तू सीधा। क्यों झलको चैनल है देखो, वो पूरे राजस्थान में इकट्ठी हूँ, झलको जुनू, झलको जोधपुर, हर जगह पहुंचा, जबकि जगह इकट्ठी कोई मीडिया पहुंचे कौन, बट झलको पहुंच रही है। और फोन खोला बट झलको ला दे, तो झलको ही उपलब्धि मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ कि झलको ही आगे बढ़ते रहे और मेन स्ट्रीम मीडिया बढ़ गई एक दिन। हाँ हमारी इंच है, एक में भी झलको ला दे, गाँव में ही झलको ला दे, सिटी में ही झलको, तो ये झलको ने हूँ देखूँ कि एक दिन मेन स्ट्रीम मीडिया शामिल हुई है। धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत।